हे गाइस, कैसे हो आप सब। तो वापस हम लोग आ चुके हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। और आज हम लोग वीक वन एंड वीक टू का जो हार्ड मिशन है उसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ प्रैक्टिकली। तो हम लोग आरपी में क्लिक करते हैं। वीक वन में आप देख पर सब मिशन खुल चुका है और इसमें से मैक्सिमम चीज तो आप लोग खुद पढ़ के कर सकते हो, जैसे विन टू क्लासिक मैच वाइल वेयरिंग लेवल 3 मिलिट्री वेस्ट, ये सब तो आप सबको पता है। बैंडेज 45 टाइम्स यूज करना, ये सब पता है। बट हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट वीक वन में जो मिशन आप देख पा रहे हो, रीच द डिजाइन एरिया एंड वॉच द थीम परफॉर्मेंस 3 टाइम इन 4 सर्कल। ये जो आप मिशन देख पा रहे हैं, ये में भी आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। बट इसके लिए आपको सिंपली करना ये है कि आपको इसमें आना होगा और उसके बाद आप मैप सेलेक्ट कीजिए और ये वाला जो मोड एक्सक्लूसिव मोड है इसके अंदर खेलने चल जाइए। और उसके बाद सिंपली करना ये है कि आपको ओम का एरिया में प्रीवियस वाला वीडियो में दिखाया था, ये वीडियो में दिखा देता हूँ। अगर यसनाय वाला फ्लाइंग पाथ होगा तो आपको ओम का एरिया में एक्जैक्टली दिखा दिया, उसका एग्जैक्ट वो लोकेशन या उसका आजू बाजू। आप उतर जा, कोई भी बगल में घर रहता है उसका बगल में उतर जा। और उसके बाद क्या करना है, आपको वेट करना है जब वो एवेंगेलियन का कैरेक्टर आएगा और वो जो क्रिस्टल एक दूसरे से फाइट करेगा, वो आपको केवल देखना है। देखो जैसे कि आप देख पा रहे, रीच द डिजाइन एरिया, वो जो डिजाइन एरिया आपने देखा ओम वाला, उसका जगह में पहुंचना है। और उसके साथ साथ आपको थीम परफॉर्मेंस देखना है 3 बार। तो दोनों का जब लड़ाई होगा एक दूसरे के साथ, वो परफॉर्मेंस आपको दूर से देखना है, सामने सट के देखने की जरूरत नहीं। कहीं से भी आप देख लो, 100-200 मीटर दूर घर से भी, तो आपका ये काउंट हो जाएगा। मेरा 2 मैच में 2 इजीली काउंट हो गया, क्योंकि ये इतना बड़ा है कि आप इजीली कहीं से भी देख सकते हो और ये कंप्लीट हो जाएगा। 3 मैच में आपको 3 बार में ये कंप्लीट हो जाएगा। और आपको मैं एग्जैक्ट लोकेशन दिखा दिया, 2-3 मैच में आप जब भी आप उधर से गुजरते हो तो आप देख लेना परफॉर्मेंस, उन लोगों का लड़ाई ऑटोमेटिकली ये काउंट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो मैं आपको लोकेशन भी दिखा दिया यसना के, उधर और भी बहुत सारे लोकेशन है अलग अलग फ्लाइंग पाथ में। आपको वो जो कैरेक्टर है ना इवेंगेलियन का, उसके पीछे पीछे जाना होगा और वो जहाँ ओम रहता है वो एग्जैक्ट लोकेशन में जाता, उठाता और मारता, तो उसके पीछे भी जा सकते हो। तो यसना का तो मैं एग्जैक्ट लोकेशन दिखा दिया। उसका सेकंड जो मिशन है वीक वन का, उसमें देख पर जंप टू एन एडवांस सप्लाई जोन 5 टाइम इन क्लासिक मोड। तो ये लिविक में आपको पता है, नया वाला लिविक 2.0 में आपको एक येलो कलर का सर्कल दिखता है रैंडमली हर एक बार आप लिविक मैच कनेक्ट करते हो। तो वो जो येलो सर्कल है वो सप्लाई जोन है जहाँ आपको भर भर के लूट मिलता है। और वो लोकेशन में आपको टोटल 5 बार कुदकना है। ठीक है, अलग अलग मैच है, 5 बार कुदकना है डायरेक्टली और ऑटोमेटिकली मिशन कंप्लीट हो जाएगा। ये 5 मैच में कंप्लीट होगा और ज़्यादा हार्ड नहीं, केवल उतर जाओ और लूटो, नहीं लूटो तुरंत मर जाओ, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट उतरना है 5 बार। ठीक है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है। वो येलो सर्कल आपको दिखेगा, उस उधर आपको 5 बार उतरना अलग अलग मैच में और ये वाला पार्ट भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। बाकी का जितना भी आप देख पा रहे हो कंप्लीट 20 क्विक ड्रॉ इन चेयर पार्क, तो ये क्विक ड्रॉ वाला चलो हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो क्विक ड्रॉ बहुत ही सिंपल है, जैसे कि पिछले वाला क्विक ड्रॉ था उस जैसा नहीं है। इसके लिए आपको चेयर पार्क में जाना होगा, उसके बाद आप इधर आ गया, आप कोई भी बंदा को पकड़ लो, देखो क्विक ड्रॉ के लिए आ गया ऑप्शन, तो इसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट जैसे करेंगे ऊपर टाइमर आ जाएगा, तो उस तरह का आपको करना होगा। ठीक है, और आप हार जाओ जीत जाओ उसे फर्क नहीं पड़ता, ऐसे करके हार जाओ उसे मर जाओ उसे मार दो। ठीक है, इसे करके आप खेलना, फिर आप कोई भी बंदे को सिलेक्ट कर सकते हो। ऐसे मान लो आपको कुछ स्टार्ट करना है, इसमें क्लिक कीजिए, क्विक ड्रॉ में क्लिक कीजिए और ये क्विक ड्रॉ क्लिक कर दीजिए। ऐसे करके आपको 20 बार करना है और आप अपने फ्रेंड के साथ भी कर सकते हैं। एक ही टीयर पार्क में आके आप 20 बार अपने फ्रेंड के साथ कर सकते हो। फ्रेंड के साथ करने से ये फायदा होगा कि वो आपका एक्सेप्ट करेगा बार बार और वो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, और एक बार हम लोग ट्राई करते हैं, रुको 1 सेकेंड, चलो इसको हम लोग ट्राई करते हैं, रुक जाओ, इसमें क्विक ड्रॉ करते हैं, इसमें क्लिक करते हैं रैंडमली, इसको क्विक ड्रॉ कर देते हैं, वो एक्सेप्ट कर लेगा। देखो एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, 4, 3, 2, 1। तो इसके लिए आपको उसका अंदर जाने का ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे, ठीक है, ये मार दिया, तो इस तरह का प्ले अगेन करोगे तो आपका मिशन कंप्लीट होता जाएगा। एक बार में ही आप चेयर पार्क में दोस्त के साथ आइए, 20 बार आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। और एक बार कंप्लीट करके मैं दिखा देता हूँ। ओके, ये हो गया, तो हम लोग इसको एग्जिट कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके आपको रॉयल पास का मिशन है उसको कंप्लीट करना। इधर हम लोग आते हैं, इसमें क्लिक करते हैं और इधर आप देख पाए 3 बार हम लोग का क्विक ड्रॉ कंप्लीट हो गया। तो ऐसे करना है, इस बार आपको उसके अंदर नहीं जाना है, बाहर में जो बंदे रहते हैं उसके साथ क्विक ड्रॉ मैच खेलिए 20 बार और वो आप प्ले अगेन करके 20 बार कर सकते हैं, एक ही बार में आप कंप्लीट कर सकते हैं। ये ईजी है, उसमें आपको वेटिंग लिस्ट में वेट करना पड़ता था, बट इसमें आपको वेटिंग लिस्ट में वेट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद वीक 1 का मिशन, बाकी सब मिशन बहुत ही ईजी है और गुप्त से मानना है। उसके बाद हम लोग आते हैं वीक 2 में। वीक 2 में आपको 2-3 चीज़ें टफ लगेगा। सबसे पहले जो देख पा रहे हो उस द मैकेनाइज बैरियर 15 टाइम इन 4 सर्कल। तो ये जो मैकेनाइज बैरियर है ये, इसके लिए आपको जो 4 सर्कल मोड है उसको आपको खेलना होगा और उसमें जो फोर्ट्रेस होगा वो फोर्ट्रेस में आपको जाना होगा। एक फोर्ट्रेस में 4 बैरियर रहता है, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ किस तरह का बैरियर रहता है। वो बाहरी रहता है, आपको केवल एक्टिवेट करना है, उसको केवल एक्टिवेट करोगे तो आपका मिशन काउंट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको एक फोर्ट्रेस में 4 बैरियर मिल जाएगा, 2 आगे तरफ रहेगा, 2 पीछे तरफ रहेगा और टोटल एक मैच में 3 फोर्ट्रेस मिलता है। तो टोटल एक मैच में आप चाहोगे तो
बोल सकते हैं 6 ये कंप्लीट कर सकते हो टोटल, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड है, आप इजीली कर सकते हो, टाइम लेके कर सकते हो, नहीं तो आप फटाफट जाके फोर्ट्रेस का लोकेशन, तो आपको पता है ये मैप में आपको दिखता है मैकेनिकल बैरियर को, और मैकेनिकल बैरियर को जैसे आप एक्टिवेट करोगे कितना टोटल आपको करना है 15 बार, और ऑटोमेटिकली ये कंप्लीट हो जाएगा। तो होपफुली आपको पता चल गया मैकेनिकल बैरियर कहाँ मिल जाएगा, बाहर वाला हिस्सा है आगे तरफ पीछे तरफ मिल जाएगा, टोटल आपको एक मैच में 4 मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देख पा रहे ब्लास्ट द ओपन डोर ऑफ सीक्रेट रूम 5 टाइम इन क्लासिक मोड लिविंग। तो ये जो सीक्रेट रूम आप देख पा रहे हो, इसके लिए आपको मैं फटाफट से एक बार मैच कनेक्ट करके ले जाता हूँ। तो फटाफट से लिविंग का नॉर्मल मैच ही लगा देते, स्टार्ट करते हैं। इधर आप देख पा रहे हो मैच के अंदर कनेक्ट हो चुके हैं। सबसे बेहतरीन बात ये वाला सीजन का ये है कि आप आरपी मिशन सब इधर देख सकते हो, जो ये लिविक मैप में जो जो आरपी मिशन कंप्लीट होगा वो आपको दिखाई देगा, इरेंगल मैप में जो जो कंप्लीट होगा वो दिखाई देगा, सैनोक में जो जो कंप्लीट होगा सैनोक का इधर दिखाई देगा, ठीक है। बट हम लोग को जो ब्लास्ट करने बोला था उसके लिए हम लोग को एक्वा डक जाना होगा, चलो एक्वा डक चलते हैं। तो ये बंदा तो ये ला तोड़ दिया, ये ला जगह में आपको आके उसे तोड़ना था, और भी हम लोग को शायद मिल जाएगा, वेट करो हम लोग के पास और भी है। इधर आप देख पर एक और हम लोग को मिल चुका है, इसको हम लोग तोड़ना होगा, तो टूट गया। इस तरह का हम लोग को इधर एक्वाडा में आके इसको तोड़ना होगा, ठीक है। तो इधर हम लोग को 2-3 मिल जाएगा, वो तो एक बंदा तोड़ दिया बोला आते साथ, नहीं तो और एक मिल जाता हम लोग को। तो होपफुली आपको समझ में आ गया कैसे इसको तोड़ना है, चलो इसको ऊपर चलते हैं, ठीक है। ये भी एक है जो दो आपको मैं दिखा दिया, इस तरह का तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपको समझ में तो आ गया होगा कैसे आपको उसको तोड़ना है, तो आपको एक्वाटैक में घुसना है, वो बैरियर सब तोड़ना है, और आप बंदूक से भी तोड़ सकते हो, ग्रेनेड से भी तोड़ सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट आपको मैं एक्सप्लेन करना था, और आप इजीली कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल के लिए वो तो एक तोड़ दिया, हम लोग मर जाते हैं। तो इधर आप देख पा रहे ये मिशन कंप्लीट हो गया, ब्लास्ट ओपन डोर ऑफ सीक्रेट रूम 5 टाइम, ठीक है। ये 1/5 हो गया, तो आपको 5 बार करना है। तो अगर आप लिविंग में सबसे पहले वो एक्वाडक में जाओगे और एक मैच में आपको 2 मिल जाएगा, दोनों का आप फोड़ दोगे तो आपका एक साथ में 2 काउंट होगा, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ गया, एक तो मेरा फोड़ गया था आपने देख लिया होगा, दूसरा मैं फोड़ दिया, तो ऐसे करके आपको 5 बार करना है, ऑब्वियसली आपका मिशन कंप्लीट हो जाएगा। तो ओवरऑल जितना भी हार्ड हार्ड मिशन था वीक 1 एंड वीक 2 का मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, बाकी एरिना जितना अपने फ्रेंड के साथ एरिना खेल रहे हैं सब कुछ पता ही आपको, जैसे कि आप देख पा रहे। तो इधर आप देख पा रहे दोनों में दिखा दिया और वीक 1 का भी दिखा दिया। होपफुली आपको ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव और काफी अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच गाइज एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।